कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आई। पिछली बार की बाढ़ के दोबारा हालात पैदा न हो, हर संवेदनशील जगह की जांच करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री व संबंधित विभाग के अधिकारी मैदान पर उतरे। शुरू हुआ बाढ़ संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण। शाहबाद के गांव हेमाजरा व दामली का सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार अभय सिंह यादव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी सहित चंडीगढ़ से अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार अभय सिंह यादव ने दावा किया कि पिछली बार बाढ़ के प्रकोप के कारण जो काफी नुकसान हुआ, उस नुकसान को देखते हुए सरकार सजग है। आने वाले समय में वो हालात दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। भुक्तभोगी हूँ इस बाढ़ का और मेरा पूरा इलाका भुक्तभोगी है। शाहबाद का बहुत बड़ा नुकसान इस बाढ़ से हुआ था और मैं लगातार अधिकारी और माने मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के संपर्क में था मैं, और आज उसकी गतिविधि अभी आपको दो दिन पहले नजर भी आई कि मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर लोगों की जब अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और माने मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को विजिट करने के लिए प्रॉपर वे से एक धरातल पर भेजा, और ये आपको सारी एक्टिविटी नज़र भी आ रही है कि पूरा का पूरा हमला, चाहे हमारे इसके सेक्रेटरी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, चाहे हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम भारत भूषण भारती जी हैं, हमारे एसटी हैं, हमारे ईआईसी इरिगेशन चौहान साहब हैं, वो सारी की सारी टीम इसमें लगी हुई है। और जहाँ तक मेरे को विश्वास है, जो आज का जिस प्रकार की एक्सरसाइज है कि परमपिता परमात्मा की पिछले साल जैसी जिस प्रकार बादल फटने की घटना हुई थी ऐसी ना घटी, तो साहब आपको मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ कि कोई उनको समस्या इस बार नहीं आने देगी। अपने मैंने निर्देश कहे हैं अभी, और हमारे पास ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि बैंतन ही एक पानी की निकासी का हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, उसकी ठीक से सफाई हो जाए। किसान जीवी के बारे में लगे हुए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जनता को आपके माध्यम से कि बाढ़ का पूरी तरह से प्रबंध सरकार एक्टिव है और परमपिता परमात्मा का सहयोग भी हमें चाहिए। अंडा जी हैं, गुंबर, हम सभी प्रयास करते हैं और उसी पॉइंट पे खड़े हैं। इसको बैंतन के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्देश दे दिए। ये पिछली बार जो बाढ़ का प्रकोप यहाँ है, काफी नुकसान हुआ था, और इस नुकसान को देखते हुए सरकार इस बात के प्रति सजग है कि अब आने वाले समय में बारिश के टाइम वो हालातें दोबारा रिपीट ना हों, और जो जो नुकसान हुआ था, जो जो पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जहाँ जहाँ से ब्रीच हुए थे, उन सब को ठीक कर रहे हैं। इस वक्त भी आज मैं ये चौथी जगह है जिसको विजिट किया है, मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है, और आप विश्वास रखिए कि सारे काम को बढ़िया तरीके से संपन्न करवाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जब तक बहुत बड़ी कोई आपदा ना आ जाए तब तक ये जो बाढ़ के टाइम में आगे इलाके को कोई नुकसान ना हो, हम सारे जो सिस्टम है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। किसान तो जहाँ जहाँ ब्रीच है वो तो उसको ठीक कर रहे हैं, और जहाँ नए प्रोजेक्ट्स हैं बांध रहे हैं, उनका भी बाकायदा उसका प्रोसेस स्टार्ट है और करेंगे। देखिए बात सुनो, बाढ़ का प्रकोप तो ऊपर वाले को वो तो आश्वस्त भगवान ही कर सकता है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार की तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सिस्टम को दुरुस्त करेंगे।